नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। गुजरात क्या मोदी की मुट्ठी में? एग्जिट पोल ऐसे इशारे करते हुए, लेकिन एक संकेत जो शक पैदा करता है वो ईवीएम के इर्द गिर्द दिख रहा है। इस वक्त गुजरात में जबरदस्त सियासी घमासान छिड़ा हुआ है और इन सब के बीच आरोप लग रहे हैं। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने एक्सक्लूसिव बातचीत में आज तक से कहा है कि ये तमाम ईवीएम हैक करने के आरोप बेबुनियाद है, गड़बड़ी के आरोप बेबुनियाद है। याद होगा आपको, हार का ठीकरा राहुल पर ना फूटे इसलिए ये आरोप लगाए जा रहे हैं, ये कहना है विजय रूपाणी का। राहुल को बचाने के लिए ईवीएम पर दोष मढ़ा जा रहा है। कांग्रेस जीत के लिए आश्वस्त नहीं है, हम 150 के लक्ष्य को पार करेंगे, बढ़ेंगे। हमारे साथ विजय रूपाणी और हमारी सहयोगी गोपी घांगर इस वक्त सीधे जुड़ रही है। गोपी, और गोपी ने बात की है विजय रूपाणी से, सुनिए। वोटों की गिनती कुछ ही घंटों में शुरू होगी और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी। रूपाणी जी, ये बताइए, बस कुछ ही घंटों के भीतर वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, जीत के लिए बीजेपी कितनी आश्वस्त है? जरूर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी से बनेगी और भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। सर, जीत के लिए जश्न की तैयारियां कितनी? एक्चुअली नेचुरली के गुजरात की चुनाव पूरी देश की निगाहें थी, तो पूरे देश में जश्न होगा और लोक कार्यकर्ता में बहुत उत्साह उमंग इस जीत का होगा, मुझे पूरी श्रद्धा है। सर, आपका लक्ष्यांक था 150 प्लस, लगता है वो मिल पाएगा? मुझे लगता है कि उसी दिशा की ओर हम आगे बढ़ेंगे। 150 प्लस हमने जो लक्ष्यांक तय किया था उसके उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे, जरूर बढ़ेंगे। विजय भाई, जिस तरीके के एग्जिट पोल आ रहे हैं, एग्जिट पोल में 98 से लेकर 108 आज तक ने दिए हैं, तो क्या कहेंगे आप इंडिया टुडे आज तक का जो सर्वे? एक्चुअली मैं मानता हूं कि आज तक का सर्वे सबसे कम सीट दी है, बाकी सब सर्वे ने 110 के बाद 120 और चाणक्य ने तो 135 दिए। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव में सभी ने एग्जिट पोल में किसी ने नहीं बताया था कि 325 सीट मिलेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 325 सीट वहां की जनता ने दी। उसी तरीके से गुजरात में सर्वे से एग्जिट पोल से ज्यादा सीटें मिलेगी। एग्जिट पोल की बात आती है तो ईवीएम की भी बात आती है और ईवीएम को लेकर काफी सारा विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने भी सुप्रीम कोर्ट में गई थी, वीवीपैट की जो स्लिप है उसकी गिनती की बात की है। हार्दिक पटेल लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या हार्दिक पटेल छोड़ो। देखिए, कांग्रेस तो इसलिए कर रही है कि राहुल गांधी पर हार का ठिकरा न फूटे। कांग्रेस की हार के जिम्मेदार राहुल गांधी न बने इसलिए वो ईवीएम पर हमला कर रहे हैं। पंजाब में ईवीएम अच्छा चल रहा था और बाकी स्टेटों में ईवीएम का प्रॉब्लम है। ये कैसी बात है? लोकतंत्र में ऐसी बात शोभनीय नहीं है। जो रिजल्ट आता है उसको स्वीकारना चाहिए। दो ही तरीका होता है, ईवीएम और बैलेट पेपर। बैलेट पेपर के वक्त आप ही ईवीएम लाए हैं, कांग्रेस के सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस थी तभी ईवीएम आया है, तो ये दोहरी नीति की बात है, बाकी कुछ बात नहीं है। लेकिन हार की जिम्मेवारी राहुल गांधी की न बने, राहुल गांधी निष्फल नेतृत्व है ऐसा न बने, इसलिए कांग्रेस फेस सेविंग के लिए ईवीएम पर बात कर रहे हैं। विजय भाई, लेकिन राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी काफी घूमे गुजरात के अंदर, सॉफ्ट हिंदुत्व का एक टारगेट लेके चले, उससे पहले उनकी ताजपोशी कर दी गई, मतलब नतीजा होने से एक दिन पहले। तो उसमें नतीजा आने दीजिए, फिर कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा, राहुल गांधी को भी जवाब देना पड़ेगा। एक मुद्दा उठ रहा था जब चुनाव के वक्त प्रचार चल रहा था, यहाँ पे पाकिस्तान आ गया, ये मनीष शंकर अय्यर की बात प्रधानमंत्री ने कर दी, सलमान ऐसा नहीं किया। ये मनीष शंकर अय्यर क्यों बोले? चुनाव बाकी है, चुनाव चल रहा है, तभी मनीष शंकर अय्यर ने ये नीच शब्द का प्रयोग किया और उस पर हमने प्रतिक्रिया की। चुनाव के पहले पाकिस्तान के हाई कमिश्नर के साथ कांग्रेस वाले क्यों मीटिंग कर रहे, हमने सवाल उठाया।
तो ये सवाल का जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं विकास का मुद्दा जो था वो गुम हो गया। नहीं, कोई गुम नहीं हुआ, विकास का मुद्दा पहले से अंत तक हमने लिया है। नरेंद्र भाई का अंतिम भाषण भी विकास पर ही हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं। अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो क्या मैं आने वाले नए मुख्यमंत्री के साथ अपना इंटरव्यू कर रही हूँ ये कह सकूंगी? देखिए, हमारे लिए ये मुख्यमंत्री बहुत महत्व की बात नहीं होती है। हाईकमान जो तय करेंगे और सभी हमारे इलेक्टेड मेंबर की मीटिंग होगी, उसमें तय होगा जो कोई होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा ये स्पष्ट हो गया है। सर एक बार फिर से पूछूंगी, कितनी सीटें? 150+ हमने जो लक्ष्यांक किया है उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, ये थे गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी, जिनका कहना है कि 150+ का जो उनका लक्ष्यांक है उसी की ओर वो आगे बढ़ेंगे। हालांकि नतीजा आएगा, नतीजा ही बताएगा कि किसे कितनी सीट मिलती है। कैमरा पर्सन उज्ज्वल ओझा के साथ गोपी गांगर, गांधीनगर आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।